राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे 30,000 युवा, पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। जोशीमठ से 82 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी बिगड़े हालात, दर्जनों मकानों में दरारें, लोग घर छोड़ने को मजबूर। आदिवासी आंदोलन के कारण घटी जैन तीर्थयात्रियों की संख्या, दो दिन में लौटे 1,500 तीर्थयात्री। एएपी को 163 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस, 10 दिनों में जमा कराने का आदेश, विज्ञापन से जुड़ा है मामला। मोदी कैबिनेट में इसी महीने होगा बड़ा फेरबदल, भाजपा संगठन में भी बदलाव की चर्चा। यूपी में कैबिनेट विस्तार पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों को लेकर है प्लान। मुगलों का इतिहास ही भारत का इतिहास नहीं, अमित शाह बोले अंग्रेजी सोच में बदलाव की जरूरत। विपक्ष के हंगामे के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज इलाही ने विश्वास मत जीता। पारसनाथ पहाड़ियों को जैनियों से मुक्त कराएगा आदिवासी संगठन, 5 राज्यों में करेगा आंदोलन। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सीआरपीएफ कमांडो दल पर की गोलीबारी, बाल बाल बचे जवान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।